एसोसिएशन टीम को ही हरवा देती है, टीम को हरवाती नहीं, विकेट ऐसा बना देती है कि फिर टीम उस पर कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि मैंने तो बहुत देखा अपने कैरियर में। हमारे टाइम में बहुत, हम लोग नागपुर में एक टेस्ट मैच खेले थे, वो ग्रीन टॉप था। मोहाली में एक बार खेले थे, वहाँ पर ग्रीन टॉप था। तो कानपुर में खेले थे एक बार, वहाँ टर्निंग ट्रैक था। तो ऐसा होता है कि बहुत बार कि हमें ध्यान में रखकर कि भाई हमारी मतलब एसोसिएशन की बोर्ड से लड़ाई चल रही है यार, इनको ये दे दो ताकि इनका थोड़ा सा बीसीसीआई का नाम खराब हो, ऐसा। बट वो होना नहीं चाहिए। बट ये आई थिंक क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन टीम को भी देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने पहला मैच हारा, उसके बाद कम बैक किए। तो आई थिंक वो बैटिंग क्लैप्स एक बार जरूर होता है, तो मुझे लगता है शायद वो क्लैप्स अच्छा है कि वर्ल्ड कप से पहले जितनी बार होना हो जाए, वर्ल्ड कप में ना हो। वर्ल्ड कप में कप्तान किसको देखना चाहेंगे आप? जब से मैं रिटायर हुआ हूँ कि बहुत सारे कप्तान आए हैं, बट एक भी कप्तान ऐसा नहीं जो हारा हो, और वर्ल्ड कप एक भी कप्तान ऐसा नहीं जिसने जिताया हो। तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन कप्तान है, फर्क ये पड़ता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या खेलेगा। सही प्लेइंग 11 खेलती है तो फिर आपकी जीत निश्चित हो जाती है, क्योंकि कप्तान कोई भी हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोहली थे तब भी हम लोग बायलैटरल जीत रहे थे, वर्ल्ड कप नहीं जीते, सेमीफाइनल हार गए। रोहित शर्मा बने हैं, उनके अंडर भी वर्ल्ड कप T20 खेले, वहाँ भी सेमीफाइनल हार गए। तो टीम कॉम्बिनेशन उस दिन बेटर होना चाहिए और टीम की उस दिन परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए, तभी आप जीत सकते हो। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा अभी तक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, शायद वही होने चाहिए, और उसके बाद फिर आप अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकते हो कि अगले वर्ल्ड कप में कौन कप्तान हो सकता है। विरूपा जी, आप पिच को लेकर मैं बात जरूर करना चाहूंगा, आप क्योंकि आप पूरे दुनिया में खेल रखे हो मुकाबला। हर बार ये होता है कि इंडिया में आके टर्निंग पिच, ऑस्ट्रेलिया कहती कि नहीं अच्छी पिच बननी चाहिए, तो क्या ये जायज है कि हम लगातार टर्निंग पिच को ही फोकस बनाएं, अपनी ताकत बनाएं? यार हम लोग ने कभी कंप्लेंट नहीं की ऑस्ट्रेलिया जाके कि हमें ग्रीन टॉप क्यों दे रहे। हम लोग एडिलेड खेले, वहां एक बार ग्रीन टॉप मिला। हम लोग ब्रिस्बेन गए, वहां हमें ग्रीन टॉप मिला। पर्थ गए, हमें वहां ग्रीन टॉप मिला। सो हमारी तरफ से एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आया यार फेयर विकेट होनी चाहिए जी, या फ्लैट विकेट होनी चाहिए, या बैट्समैन के लिए विकेट होनी चाहिए। तो मुझे ये समझ में आता जब वो टीमें यहाँ आती हैं तो वो क्यों कंप्लेंट करती हैं। सो एटलीस्ट आपको क्रिकेट खेलना है तो आप अपनी स्किल्स, आपकी बैटिंग की स्किल है तो आपको स्पिन और फास्ट दोनों खेलने आनी चाहिए। सो इंडियन टीम भी तो स्पिन और फास्ट दोनों खेलती है, वहाँ जाकर कंप्लेंट नहीं करती। इतने सालों के बाद किसी टीम ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो भारतीय टीम थी। अगर हम लोग कंप्लेंट करते तो हम लोग वो मैच नहीं जीत पाते, टेस्ट मैच। तो ये तो होम एडवांटेज है और होम एडवांटेज का फायदा होना चाहिए। हम लोग जब इंग्लैंड जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वो हमारे लिए ये सोच के पिच बनाते हैं कि हम इंडिया जाएंगे तो हमें टर्निंग ट्रैक मिलेंगे, तो इसलिए इनके लिए यहाँ स्विमिंग ट्रैक बनाओ ताकि यहाँ पर हम 4-0 जीते। तो वो हर देश करता है। तो बट क्या है कि जब इंडिया में आके खेलते हैं ना तब वो कंप्लेंट ज़्यादा होती हैं। आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका खेले तो वहाँ कंप्लेंट नहीं होती, वहाँ कभी। क्या हम उनकी कंप्लेंट ज़्यादा सुनते भी हैं? प्लेयर लोग नहीं सुनते हाँ, बट मीडिया जरूर सुनता है क्योंकि मीडिया को सबसे ज्यादा जो अटेंशन मिलती है वो थोड़ी नेगेटिव न्यूज पे मिलती है, और जब ये कंप्लेंट होती है तो नेगेटिव न्यूज ही एक तरह। पहले हमारा सिस्टम ऐसा था कि हम बड़े ओ में रहते थे कि वाह कोई फॉरेन कोच आएगा, आपने भी फॉरेन कोच के साथ काम किया, तो अब तो वो सिलसिला फाइनली खत्म हो गया ये मान लिया जाए। मैं बीसीसीआई में नहीं हूँ तो ये बता नहीं सकता फाइनली वो खत्म हो गया नहीं हो गया, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं हमेशा मानता था कि हमारे देश में भी उतने ही अच्छे कोचेज या प्लेयर हैं जो इंडियन टीम को मैनेज कर सकते हैं, तो हमें फॉरेन कोच की ज़रूरत नहीं है। बट जो मुझे, जब मैं खेल रहा था तो मैंने 2-3 बार पूछा ये सवाल अपने सीनियर से कि भाई जॉन राइट के बाद क्यों हम लोग दूसरा फॉरेन कोच चाहते हैं, तो क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे इंडियन कोचेज के साथ अपना टाइम बिताया था। तो वो ये कहते थे कि कभी कभी इंडियन कोच ना बायस हो जाते हैं, फेवरेट हो जाता है, कोई कोई फेवरेट नहीं होता है, तो जो नहीं होता बेचारा उसकी शामत आ जाती है, वो उसको बाहर चले जाता है। तो फॉरेन कोच आएगा सबको एक निगाह से देखेगा, ऐसा उनका मानना था। बट एक्चुअली फॉरेन कोच भी आकर सबको एक निगाह से नहीं देखता, उसके भी फेवरेट होते हैं, वो भी नाम के आगे गिर जाता है, ये तेंदुलकर है, द्रविड़ है, गांगुली है, लक्ष्मण है, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाद में आप चैपल के फेवरेट बने नहीं कभी? नहीं, मैं आया तो चैपल ने पहली स्टेटमेंट ये दी थी कि भाई सहवाग विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। अब 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि पता नहीं कैप्टन से और टीम से बाहर हो गए। सो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग, इंडियन टीम को कोचिंग की जरूरत नहीं, इंडियन टीम को मैन मैनेजमेंट की जरूरत है कि भाई आप एक ऐसा आदमी हो जो सारे प्लेयरों के साथ ना अच्छी दोस्ती रख सके, अच्छा ख्याल रख सके। भाई कोच को ये मालूम होना चाहिए कि बस मेरे को इसको कितनी प्रैक्टिस करानी है, इसको कितनी नहीं, जो कि आई थिंक उन सब में बेस्ट थे गैरी कस्टन, क्योंकि वो मुझे सिर्फ 50 बॉलें खिलाते थे।
राहुल द्रविड़ को 200 बोले खेलते थे, सचिन तेंदुलकर 300 बोले खेलते थे, गौतम गंभीर 400 बोले खेलते थे, आकाश चोपड़ा और ज्यादा खेलते, तो ये उनको मालूम था कि यार इनको इतनी बोले खेलने को मिलनी चाहिए, इसको इतनी बोले खेलने को मिलनी चाहिए, और उसके बाद वो छुट्टी देते थे कि भैया आपका काम हो गया, आप घर जाइए, होटल जाइए आराम की। तो वो उनको पता होना चाहिए कोचेस को कि यार मेरे ये प्लेयर हैं, इनको मेरे को कितनी प्रैक्टिस करानी है, किसको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, किसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है मैं 15 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस में मेरी ना कोई बेटर होना है ना कोई खराब होना है, तो अगर मैं मेंटली फिट रहूंगा, अच्छा सोचूंगा, तो शायद मैं बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो वो हमारे लिए वो काम बेटर है इंडियंस के लिए कि हम लोग अपने प्लेयरों को उससे मेंटली ख्याल रखें, क्योंकि प्रैक्टिस और फिजिकली तो ख्याल प्लेयर खुद रख सकता है, एक मेंटली होता है ना, उसको कंफर्ट जोन मिलना चाहिए ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। मेंटल फिटनेस की आपने बात की, क्रिकेट से थोड़ा सा अलग लेना चाहूँगा कि जो स्ट्रेस की बात की जाती है आज की लाइफ में, तो एक क्रिकेटर से ज़्यादा स्ट्रेस किसने देखा जिसमें पूरा स्टेडियम आपके खिलाफ होता है कभी कभी और उसमें आपको जाके खेलना होता है, तो ये जो स्ट्रेस, जो दूसरा स्ट्रेस है जीवन का स्ट्रेस जिससे लोग जूझते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे, आप कैसे हैंडल करते थे? यार मेरा तो फंडा ये था कि स्ट्रेस लेना नहीं, स्ट्रेस देना आना चाहिए। सो मैं तो कोशिश ये करता था कि बॉलरों को स्ट्रेस दे दो पहली बॉल पे ही, चौका छक्का मार दो। सो मेरे फादर हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि जिंदगी में जितना मिले उससे खुश रहना आना चाहिए। सो मैंने वो टाइम देखा है जब मेरे फादर मदर मेरे हम दो भाई और दो बहनें थी, तो 6 बंदों के लिए 1,000 रुपये मिलते थे महीने के, तो उस 1,000 रुपये में गुजारा किया है। फिर वो 1,000 धीरे धीरे कुछ सालों के बाद 5,000 रुपये हो गए, फिर वो 5,000 से वो 10,000 रुपये हो गए, फिर मैं इंडिया खेला तो वो 1,00,000 रुपये हो गए, फिर वो और बड़ा प्लेयर बना तो 10,00,000 हो गए, आज करोड़ है। लेकिन मेरी ज़रूरतें उतनी हैं जितनी मेरे 1,000 में थी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास करोड़ों आ गए तो मेरी ज़रूरतें बदल गई, बट ये है कि मैं खुश हूँ। तो वो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, वरना इच्छाओं की सीमा नहीं है। सो आज अगर मेरे पास एक 500 गज के प्लॉट पे घर है तो मैं चाहूँगा यार 5,000 गज पे मिल जाए, या 50,000 गज पे मिल जाए, या अंबानी जैसा घर मिल जाए, या मेरा प्राइवेट जेट हो जाए। तो इच्छाओं की सीमा नहीं है, तो जितना अगर उसमें खुश है, उसमें आप खुश हो, तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। वीरूपा जी, आपके दौर में आप सचिन पाजी, हम लोगों ने कवर किया, देखा है कि आपके कुछ टेक्निक में इशू होता था तो आप मैदान पर घंटों प्रैक्टिस करते थे। आजकल ये देख रहे हैं कि अगर किसी की बल्लेबाजी में टेक्निकल कोई इशू है तो वो ग्राउंड पे कम जिम में ज्यादा दिख रहा है। टाइम टाइम की बात है, टाइम बदल गया है। तो हमारे टाइम में हम लोग ज़्यादा कोशिश करते थे जितना ज़्यादा ग्राउंड पर, जितना ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, चाहे वो फील्डिंग प्रैक्टिस हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो उसको जितना इम्प्रूव कर सके, क्योंकि एंड में मेरे वो काम ज़्यादा आनी है, जिम वाला काम कम आना। हाँ, जिम से एक फ़ायदा हो सकता है कि मैं 10 साल की बजाय 15 साल या 20 साल खेल सकता हूँ, वो ज़रूर है, वो होना चाहिए, लेकिन वो बॉडी टू बॉडी होना चाहिए कि अगर मेरी बॉडी अलाउ करती मुझे इतनी एक्सरसाइज करना या ये जिम वेट लिफ्टिंग करना, तो मुझे वो करनी चाहिए। नहीं अलाउ करती, मुझे पता है मेरे को बैक प्रॉब्लम है या मेरे को नी प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ उसको मैनेज कर सकता हूँ, तो उतनी ही एक्सरसाइजें करनी चाहिए। आई थिंक स्किल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स।